भगवान कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, माम अनुस्मर युद्ध क्या, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। क्या ये दोनों काम अगर ठीक से करने हो तो एक समय में संभव है क्या? या तो स्मरण ही ठीक से होगा या युद्ध ही ठीक से होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर ठीक से करना है, अच्छे तरीके से करना है, तो या तो भजन ही होगा और या तो युद्ध ही होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तो महापुरुष इसकी टीका में भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में लिखा, यदुद्देश्यक कर्म होता है तदुद्देश्यक ही उसका परिणाम माना जाता है। यदुद्देश्यक माने, अर्जुन अगर इस युद्ध को अपनी दुश्मनी मान करके या अपना हक वापस लेने के लिए युद्ध करेगा तो स्मरण, भगवान का स्मरण युद्ध एक साथ नहीं होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा रूप मान करके अगर युद्ध करेगा तो युद्ध भी भगवान की आज्ञा होगी और वो युद्ध भी भगवान का भजन बन जाएगा। इसलिए माम अनुस्मर युद्ध जा, आपका जीवन जिस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है वही है उसका परिणाम होता है। अगर आप अपने लिए कोई काम करेंगे तो साथ साथ भजन होना थोड़ा कठिन है, लेकिन जब आप भगवान के हो जाएंगे, जैसे अर्जुन हो गया था, अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं इष्टोष में दृढ़ मिति। अर्जुन, प्रायः संत महात्मा पूछते हैं कि भाई आपके इष्ट कौन है, इष्ट माने आराध्य। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि आपके इष्ट कौन है, जानते भगवद गीता में उन्होंने जवाब दिया है, इष्टोष में अर्जुन तू मेरा इष्ट है, तू मेरा आराध्य है। आप कल्पना कर सकते हो भगवान की, जो अपने प्रेमी भक्त को अपना आराध्य भी बना सकते हैं, वो हमारे ठाकुर है, वो हमारे भगवान है। इष्टोष में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि, इसलिए मैं तुमको बार बार समझाता हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो ऐसा नाता जब भगवान के साथ जुड़ जाएगा, जैसे अर्जुन का था, सख्य भाव था, प्रेम था, सख्य भाव के माध्यम से, वात्सल्य के माध्यम से, दास्य भाव के माध्यम से, मधुर भाव के माध्यम से, शांत भाव के माध्यम से, किसी भी भाव से आपका जब वास्तविक नाता भगवान के साथ अनुभव होने लग जाएगा तो आपकी जो भी क्रिया होगी वही भजन बन जाएगी। अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं, प्रत्येक क्रिया भजन बन जाएगी। इसलिए सर्वदा, तब वहाँ पर सोना भी भगवान का भजन होगा, स्नान करना भी भजन होगा। जिसके लिए आप जी रहे हैं आपकी प्रत्येक क्रिया उसी के लिए होगी। जिसके लिए आपका जीवन है, एक सेवक है, निस्वार्थ सेवक अपने स्वामी का, तनख्वाह नहीं लेता, जीवन समर्पित कर दिया है, क्या उसका शयन करना स्वामी की सेवा नहीं? शयन नहीं करेगा तो अगले दिन उठ के सेवा कैसे करेगा? वहाँ सोना भी सेवा है, स्नान करना भी सेवा है, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी स्वामी की सेवा है। प्रत्येक क्रिया जिसके लिए आपका जीवन होगा, आपके जीवन की प्रत्येक क्रिया उसी के लिए मानी जाएगी। ये भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं और ये संतों का अनुभव है। तो सर्वदा हमेशा भगवान का भजन करें, ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम भगवान के न हो जाए। ध्यान रखना, हमेशा संभव नहीं हो सकता है। तभी तो कभी कोई 15 मिनट निकालता है, कोई आधा घंटा निकालता है, कोई तो बाथरूम में ही भजन कर लेता है ना। स्नान किया, कपड़े बदलते हनुमान चालीसा पूरा हो जाता है। हनुमान जी भी सोचते हैं बहुत व्यस्त है, हनुमान जी से भी ज़्यादा व्यस्त है। हनुमान जी को समय है लेकिन उसके पास समय नहीं है महाराज। तो कहते हैं आपका जीवन ठाकुर के लिए जब तक नहीं होगा तब तक ये सूत्र घटित नहीं होगा। सर्वदा सर्वदा भजन कैसे होगा? लेकिन देवर्षि नारद कहते हैं जो प्रेमी होता है उसका पूरा जीवन ही आराध्य के लिए होता है, इसलिए उसकी प्रत्येक क्रिया ही भजन हो जाती है, जैसे गोपियों की थी। यथा ब्रज गोपिका नाम, दृष्टांत तो यही, गोपियों के प्रत्येक क्रिया श्री कृष्ण का भजन थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण को भुलाने का भी प्रयास करती थी, वो भी श्री कृष्ण का ही तो भजन बन गया ना।
श्री कृष्ण को याद करना ही भजन नहीं था। गोपियों ने स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र में जब मिले, श्री कृष्ण ने थोड़ा विनोद में एक उल्टा सा प्रश्न कर दिया, अरे गोपियों, इतने दिन में तुम्हारे पास नहीं आ सका किसी कारण से। कारण तो कोई था ही नहीं तो बतावें क्या, हाँ किसी कारण से कह दिया मैं नहीं आ सका, क्या तुमको कभी हमारी याद आती थी। देखो कितना उल्टा सा प्रश्न था। गोपियाँ रोने लग जाती, आँखों से अश्रुपात होने लग जाता। श्री कृष्ण सच बतावें, हम कभी कभी तुमको भुलाने का प्रयास करती थी, हाँ कि तुम कभी भूल जाओ थोड़े समय के लिए। अरे याद करना भी भजन है, तो प्रेमी को भुलाने का प्रयास भी भजन है, वो भी भजन था। हाँ तो कहते सर्वदा सर्वदा भजन तभी होगा जब हम उनके हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे। हाँ दोनों के बीच में जब तीसरा नहीं रहेगा, आपके जीवन के प्रत्येक क्रिया प्रभु का भजन बन जाएगी। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंततैर, और उसके पहचान क्या है, बार बार वही आता है, अगर आप प्रेमी भक्त हैं तो आपके जीवन में चिंता नहीं होगी। अगर चिंता है तो अभी भगवान के भक्त हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त नहीं हो सकते। प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त, अर्थ भक्त हो सकते हैं, अर्थार्थी हो सकते हैं, जिज्ञासु हो सकते हैं, लेकिन प्रेमी भक्त कहें या ज्ञानी भक्त कहे, वहाँ चिंता का सर्वथा महाराज विलय हो जाता है। चिंता नहीं थे निश्चिंतता ही। अरे भाई भक्त का कोई क्या छीन लेगा, जहाँ शरीर भी जिसने भगवान को दे दिया, मन भी जिसने भगवान को दे दिया, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, लेगा क्या उसका कोई, लेगा क्या। मैं वो घटना प्राय सुनाता हूँ। एक विरक्त महात्मा थे वृंदावन में, ठंडी का समय था। अब महाराज एक चोर घुस आया उनकी कुटिया में। वृंदावन में चोर बहुत है, आप लोग जाते हैं थोड़ा सावधान रहना। और जानते हो चोर क्यों ज़्यादा है वहाँ, क्यों डॉक्टर डॉक्टर को मालूम है, डॉक्टर रागिनी को, क्योंकि वहाँ का ठाकुर चोर है, बुरा मत मानना। तो जो महाराज मालिक चोर होगा तो नीचे वाले तो चोर होंगे ही थोड़ा। तो महाराज वो चोर घुस गया महात्मा की कुटिया में। आओ महाराज, महात्मा भगवान के प्रेमी भक्त थे, चटाई पे लेटे हुए थे, थोड़ी ठंडी लग रही थी। अब क्या करें, सोच रहे थे ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कुछ करेंगे। और चोर कंबल उड़ के आया था, कंबल निकाल के रख दिया कुटिया में। कुटिया देखने लग गया, कोई सामान हो तो लेके जाओ। महात्मा जी ने देखा ठाकुर जी ने कंबल भेज दिया। देखो ठाकुर जी ने कंबल भेज दिया, महात्मा जी ने महाराज उठाया और ओढ़ लिया, ठाकुर जी ने भेजा। भाई प्रेमी के लिए तो हर रूप में उनके ठाकुर है। चोर ने देखा कुटिया में कुछ मिला नहीं, सोचा चलो दूसरी कुटिया में चलते। लेकिन जब मुड़ के देखा तो महात्मा जी कंबल ओढ़े लेटे हो। अब क्या करें, कंबल खींचे तो महात्मा जी शोर मचा देंगे, पकड़ा जाऊंगा, और नहीं कंबल खींचे तो अब गांठ का कंबल भी जा रहा है, मिला तो कुछ है नहीं। चोर ने निर्णय यही किया कि कंबल छोड़ना ठीक है, यहाँ की पुलिस पकड़ ले उससे ज़्यादा कंबल छोड़ना ठीक, यहाँ भी पुलिस खड़ी है, हाँ ध्यान रखना मैं तो कहते हैं वो ज़्यादा अच्छा। अब क्या करें, वो चोर ने सोचा कि कंबल छोड़ना ज़्यादा अच्छा है, जाने लग गए। महात्मा को विनोद सोचा, प्रेमी भक्त थे ना, कैसे मस्ती में रहते। महात्मा जग रहे थे, उन्होंने कहा अरे भाई कौन आया था जा रहा है, दरवाजा जरा बंद करते जाना। ओ चोर को नहीं रहा गया, थोड़ा गुस्सा आया, अरे बाबा जी तेरा कोई क्या ले जाएगा, एक आया था तो ओढ़ने को दे गया, दूसरा आएगा तो बिछाने को दे जाएगा, तेरा कोई क्या ले जाएगा। कहने का अर्थ क्या है, प्रेमी भक्त जहाँ होता है निश्चिंततैर, वो निश्चिंत रहता है। अगर चिंता है तो प्रेमी या ज्ञानी भक्त नहीं है। बाकी भक्त हो सकता है, और संसारी को चिंता तो होती है, वो अलग बात है। बोले भगवान एव भजनीयः, भगवान एव, एव शब्द बाकी आश्रय को निवृत्त करता है। कोई भी आपत्ति विपत्ति आवे, महाराज भगवान को छोड़ करके दूसरे के सामने हाथ फैलाना, ये महाराज प्रेमी भक्त का लक्षण नहीं है, अनन्य भक्त का लक्षण नहीं है। कुछ भी हो जाए, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी बने जो औरते वा बनवे पे धूर। ये अनन्य प्रेमी का लक्षण होता है। भगवान एव भजनीया,
भगवान का ही भजन करता है जो प्रेमी भक्त होता है। बोले फिर क्या होता है? अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं, सकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। ऐसा प्रेमी भक्त जब उनका कीर्तन करता है तो भगवान शीघ्रमेव बहुत जल्दी प्रकट हो जाते, उनसे रहा नहीं जाता। प्रेमी भक्त का कीर्तन सुनने के लिए नरसिंह मेहता की कथा आपने सुनी होगी ना, जब वो जा रहे थे अपनी नानी बाई का भात भरने के लिए, गाड़ी का पहिया टूट गया रास्ते, भगवान कृष्ण आ गए गाड़ी सुधारने वाले बन के, हथौड़ा उथौड़ा लेके, अरे बाबा मेरे को भी गाड़ी में बैठा ले। नरसिंह जी ने कहा गाड़ी चले तब तो बैठा लूँ, गाड़ी तो टूट गई। बोले गाड़ी सुधारने का ही काम मैं करता हूँ, भगवान तो गाड़ी सुधारने का ही काम करते हैं। अच्छा तो सुधार दीजिए, गाड़ी सुधार दी, मेरा ठोक पीट के ठीक कर दिया। ओ उन्होंने कहा मेरे को गाड़ी चलाना भी आता है। नरसिंह जी बोले बड़ी अच्छी बात, चलाइए आप गाड़ी, भगवान से अच्छी गाड़ी कौन चलाएगा। नरसिंह जी को बड़ा संकोच है, आपने मेरी गाड़ी ठीक की, गाड़ी चला रहे हैं लेकिन मेरे को संकोच है, मैं आपको क्या दूँ, मेरे पास भौतिक दृष्टि से कुछ है नहीं। ओ गाड़ी चलाने वाले तो ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा हमने सुना है तुम केदारा राग में बहुत अच्छा गाते हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, तुम भजन सुनाते चलो मैं गाड़ी चलाता चलूंगा। हाँ भगवान, देखो नरसिंह जी का प्रेम पूर्ण भजन सुनने के लिए गाड़ी सुधारने वाले कारपेंटर बन के भी आ गए। हाँ नरसिंह जी भजन सुना रहे हैं, ठाकुर जी गाड़ी चला रहे हैं। अब महाराज ठाकुर जी बोले अब मेरा गाँव आने वाला है, अब मैं फिर मिलूंगा। नरसिंह जी कहते कल मेरी बेटी का भात का उत्सव है, आप आमंत्रित हैं, व्यवस्था कुछ है नहीं। यह निश्चिंतता, कोई व्यवस्था नहीं, साथ में सामान नहीं, उनको भी आमंत्रित कर दिया, आप आमंत्रित हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं तो आऊंगा ही, मेरे को तो आना ही है। तो महाराज कहने का अर्थ क्या है, सकीर्तमान भगवान का जब कोई प्रेमी भक्त कीर्तन करता है शीघ्र मेवाविर्भवती प्रकट हो जाते हैं। क्यों? उनको रस आता है, उनको आनंद आता है, निष्काम हृदय है जिसका, और वो जब भगवान का कीर्तन करता है वो मस्ती में नाचता है। भगवान भी देखने के लिए, जानते हैं सुतीक्ष्ण जी जब नाच रहे थे, भगवान श्री राम प्रभु देखें तर ओट लुकाई, भगवान पेड़ की आड़ में छिप करके सुतीक्ष्ण जी का नृत्य देख रहे थे। कितना भाव में नाच रहे थे, बहुत देर देखते ही रहे भगवान श्री राम। ऐसे भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं अगर कोई प्रेम से गावे, प्रेम से संकीर्तन करावे। और अनुभावयति, एक फूल चोर बाबा हुए वृंदावन में, और बांके बिहारी को महाराज किसी के बगीचे में कितने अच्छे भी फूल हों, वो बाउंड्री फांद जाए कुछ भी करना पड़े लेकिन फूल तोड़ के ले आते थे, माला बना के बांके बिहारी को पहनाते थे। कई बार इस महाराज ऐसी घटना हुई कि कई लोगों के कारण उनकी पिटाई भी हुई, गाली गलौज भी हुआ, लेकिन वो ये काम छोड़ा नहीं उन्होंने। वो बोले ब्रज के अंदर जितने बगीचे हैं सब बांके बिहारी के, किसी के नहीं। वो रोज तोड़ते थे महाराज, फूल तोड़ते थे, और प्रातःकाल जाके निधिवन में महाराज झाड़ू लगाते थे, सोहिनी सेवा जिसको बोलते। क्यों? ठाकुर जी वहाँ रात्रि में रास करते। एक दिन फूल चोर बाबा को महाराज एक पायल की घुंघरू मिल गई, वो राधा रानी की, राधा रानी ने कृपा करके छोड़ दिया था। अब राधा रानी ने ललिता से बाद में कहा कि अरे आज तो रात्रि में निधिवन में वो घुंघरू छूट गया, वो फूल सखी सेवा करती है, प्रातःकाल उसी के पास होगा, जाओ जाओ जल्दी लाओ। ललिता जी आई, फूल सखी माने फूल बाबा से कहा अरे तुमको घुंघरू मिला है यहाँ सफाई करते समय? बोले हाँ मिला तो है। बोले वो किशोरी जी का है, दे दो। बाबा ने कहा कि किशोरी जी का है क्या प्रमाण है? देखो प्रेम, हाँ तुम कह रही हो किशोरी जी का है, मैं कह रही हूँ नहीं है, प्रमाण क्या है? बोले क्या प्रमाण चाहते हो? बोले किशोरी जी के चरणों का मैं दर्शन करूँ और पायल से मैच करूँ तब निर्णय करूँगी कि किशोरी जी का है कि नहीं। देखो प्रेम, प्रेम में बुद्धि कहाँ काम करती है। महाराज विवश होके किशोरी जी को प्रकट होना पड़ा, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने ये भी कह दिया किशोरी जी का है या ठाकुर जी का है ये भी पता लगाना पड़े, क्योंकि दोनों रासलीला करते हैं ना।
तो दोनों के चरण दर्शन होंगे तब मैं घुंघरू दूंगी महाराज। दोनों को प्रकट कर दिया फूलचोर बाबा ने और दोनों के दर्शन दिए। ओ घुंघरू तो किशोरी जी का ही था। तो शीघ्र मेवा विरभवती, बहुत शीघ्र ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। प्रेम, भगवान को प्रेम चाहिए। वास्तव में जो संत है, भक्त है या भगवान है, उनको प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। और अगर आप सोचे शक्ति संपत्ति प्रतिष्ठा इसके बल पर भगवान या सदगुरु को पालेंगे तो ये भ्रांति है। सदगुरु और ईश्वर ये केवल प्रेम से मिलते, भाव से मिलते, अच्छे जीवन से मिलते। अनुभावयति च भक्तान, बोले अनुभव कराते रहते अपने प्रेमी भक्तों को। समय समय पर बार बार ठाकुर जी अनुभव कराते रहते। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। त्रिसत्यस्य, बोले इतनी चर्चा की मैंने सूत्रों में, महाराज चाहे भूतकाल की घटनाएं ले लो, चाहे वर्तमान की ले लो, और चाहे महाराज भविष्य की ले लो, त्रिसत्य का कई अर्थ किया। अथवा त्रिसत्य का अर्थ किया महाराज धर्म, योग और वेदांत, इन तीनों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण क्या है, बोले भक्ति। भक्ति रेव गरीयसी, वो आपको प्रसंग बताया जा चुका है, क्योंकि धर्म की विधि की पूर्णता आज के युग में बड़ी कठिन है। योग के जो अयम नियम है वो पालन करना आज के समय में बड़ा कठिन है। वेदांत के जो अधिकार संपदा का वर्णन है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मोक्षा, आज के जीवन में कठिन है। लेकिन भक्ति, भक्ति पराकाष्ठा की हो जाए तो ठाकुर का अनुभव करा देवे। और अजामिल जैसा व्यक्ति भी जो अपने बच्चे के बहाने भगवान का नाम लिया, उसको भी भक्ति पार कर दे, ये भक्ति की सामर्थ्य। पतित से पतित और सिद्ध से सिद्ध दोनों भक्ति करते हैं महाराज। भक्ति रेव गरीयसी, विषयी हुए, साधक हुए, सिद्ध हुए, तीनों भगवान की भक्ति करते हैं, ये भक्ति की महिमा है। भक्ति रेव गरीयसी, अजामिल ने अनुभव किया था और सच्चाई थी। वो नारायण को नहीं बुलाया था, उसने अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन बेटे के नाम के बहाने नारायण ने अपने दूतों को भेज दिया, अजामिल को वैराग्य हो गया। और सच्चाई यही है, व्यक्ति का जीवन अचानक जब कभी मुड़ जाता है, ऐसी घटना जीवन में होती है। क्या दुनिया ने क्या किया और एक संत और भगवान ने क्या किया, जब आप उसकी बराबरी देखेंगे ना, वैराग्य हुए बिना रहेगा नहीं। अगर आप चिंतन करें तो, और नहीं करें तो ठीक है। यत पठितम तद गुरुवे निवेदितम, जो सुना वो गुरु जी को दक्षिणा में वापस दे दिया, कोई बात नहीं। महाराज तो कहते हैं महाराज, तीनों अगर दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं भक्ति की ही सबसे ज्यादा महिमा है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? इसका अर्थ नहीं है कि ज्ञान कोई कम है, योग कम है, धर्म कम है, इनमें कठिनाई है, भक्ति में सरलता है। तो मैंने कहा ना, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो भगवान का नाम तो ले सकते हैं ना। नाम प्रेम से लेवे, बिना प्रेम के लेवे तो भी नाम अपना काम करना प्रारंभ कर देगा, भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, ये जो कलिकाल, कलिकाल का अर्थ, कलिकाल का अर्थ जहाँ तनाव प्रवेश कर गया हो, जहाँ तमोगुण प्रवेश कर गया हो, जहाँ रजोगुण का आधिक्य विद्यमान हो, जहाँ सत्वगुण गायब हो गया हो, इसका नाम कलयुग होता है। इस समय यहाँ कलयुग नहीं है, ध्यान रखना, इस समय यहाँ वाटिका के अंदर कलयुग नहीं है। यहाँ तो महाराज सतयुग है, त्रेता है। आप सब लोग आनंद से बैठे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, इसका नाम ही तो सतयुग और त्रेता है। महाराज तो कहते हैं कलयुग में जब आप अधिक परेशान हुए, भागवत में तो ये भी लिखा है, बहुत जब तनाव हुए जीवन में, तो उस समय ध्यान भजन कुछ नहीं होगा, कीर्तन करो, कीर्तन, और कीर्तन भी धीरे धीरे नहीं करो, जोर से करो, जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जोर से। एक प्रैक्टिकल बातें हैं, आप करके देखना,
कभी आपके जीवन में बहुत तनाव होता है, स्वाभाविक है, व्यवहार में रहने से होता है। अगर लोगों के सामने थोड़ा लज्जा आती हो, कमरा बंद कर लेना अंदर से और अकेले जोर जोर से कीर्तन करना, 15 मिनट के अंदर आपका तनाव कम होना प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं, आप करके देखना। तो महाराज ये भक्ति इसलिए सरल है, इसलिए गरीयसी महीयसी अत्यंत महाराज महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण भक्ति। बोले भक्ति में महाराज क्या क्या भक्ति का रूप होता है? देवर्षि नारद कहते हैं गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति, परम विरह शक्ति रूपा एक धापी एकादशधा भवति। बोले महाराज ये भक्ति वास्तव में तो है एक, भक्ति माने प्रेम, भक्ति माने भजन, भगवान से प्रेम हो जाने का नाम भक्ति। लेकिन वो भक्ति कितने प्रकार की होती है? नवधा भक्ति आपने सुना होगा, नवधा भक्ति सुना होगा। लेकिन यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं एकादशधा माने 11 प्रकार की होती है। हाँ, देवर्षि नारद तो भक्ति के आचार्य है ना। बोले महाराज गुण महात्म्य शक्ति, भगवान के गुण और महात्म सुन करके आसक्ति हो जाए भगवान से, वो भी भक्ति है। रुक्मणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, जब पत्र लिखा ना ब्राह्मण को भेजा, देखा नहीं था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, प्रभु आपके गुणों को मैंने सुना है, आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे आपके सद्गुण हैं, मैंने आपका वर्ण कर लिया। अरे आपको अगर अच्छाई चाहिए, महिमा चाहिए, तो भी भगवान से ही आपने चित्त को जोड़ो ना, इतने सद्गुण भगवान में है, उतने दुनिया में किसी में नहीं मिलेंगे। हाँ, पूर्णता केवल उन्हीं में है, महात्म्य महिमा, भगवान की महिमा। भगवान थोड़ा इशारा करें सब महाराज उलट पलट हो जाए, इतनी बड़ी महिमा है उनकी। हाँ, एक संकल्प मात्र से जो दुनिया बना देते, संकल्प मात्र से दुनिया को चला रहे हैं, और जरा सी भ्रकुटी को टेढ़ी करे तो गोविंदा नमो नमा हो जाता है। ये भगवान की महिमा। अगर नाता ही जोड़ना है किसी महान से, तो उनसे जोड़ो ना जिनसे महान कोई है ही नहीं। बार बार क्यों बदलना, आज इससे कल उससे परसों से, एक के हो जाओ और एक परमात्मा के हो जाओ, तो जानते हो उसका रहस्य क्या है? जब तुम उसके हो जाओगे तो सारे दुनिया वाले तुम्हारे हो जाएंगे, अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। यही विशेषता है, जो दुनिया के पीछे चलता है दुनिया उससे छूट जाती है, भगवान भी छूट जाते हैं। जो भगवान के पीछे चलता है, देखो कितनी पहेली है, पहेली, भगवान के पीछे चलोगे तो भगवान भी मिलेंगे और दुनिया भी तुम्हारे पीछे चलने लगेगी। पूज्य हमारे गुरुदेव, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य राम सुखदास जी महाराज, पूज्य रोटी राम बाबा, ये सब भगवान को इन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, साक्षात्कार किया, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किया भगवान का। सारी दुनिया उनके पीछे थी, मन सारा समाज उनके पीछे था, तो भगवान को पकड़ो तो भगवान भी मिलेंगे और चाहिए तो दुनिया भी मिलेगी, और दुनिया को पकड़ोगे तो भगवान तो मिलेंगे ही नहीं और दुनिया भी अंत में आपका साथ देगी कि छोड़ देगी? छोड़ देगी ना, तब कल से किसका साथ करोगे? मेरे से कोई पूछ रहा था ना कल से क्या करेंगे, अब आप ही सोच लो कल से क्या करोगे। दुनिया का साथ करोगे या भगवान का? दुनिया में रहो लेकिन भगवान के होके रहो। भगवान के होके अर्जुन रहते थे, भगवान के होके मीरा रहती थी, अरे भगवान के होके अम्बरीश राज्य चलाते थे, भगवान के होके प्रहलाद जी राज्य चलाते थे, ध्रुव जी राज्य चलाते थे, लेकिन वो दुनिया में फंसे नहीं। इतना बड़ा भूमंडल का राज्य और इतने विरक्त, और यहाँ तो 4 व्यक्ति का परिवार, और उसमें कहते हैं महाराज इतने बंधन है। इतने बंधन, बंधन नहीं है, बंधन आपने बनाए हुए, आपके बनाए हुए बंधन, भगवान ने नहीं बनाया, आपने मान मान बंधन में आयो, मान्यता को ही आपने बंधन का रूप दे दिया है। तो महाराज कहते हैं और रूपा शक्ति, अगर सौंदर्य ही देखना है ना, अगर आप सुंदरता के उपासक हैं
तो प्रभु से ज्यादा सुंदर भी कोई नहीं है। महाराज एक कथा आती है भक्तमाल में, एक व्यक्ति था श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के समय की घटना है, सत्य घटना है। एक व्यक्ति था, वो एक वेश्या के सौंदर्य पर इतना आसक्त हो गया कि महाराज वेश्या के ऊपर छाता लगा के चलता था जब धूप होती थी, लेकिन छाता लगा के बगल में नहीं चलता था। वहाँ लिखा है महाराज वेश्या को देखता हुआ पीछे को चलता था, जिसको आप रिवर्स गियर बोलते हैं, रिवर्स गियर, पीछे को चलता जाता था, छाता लगाए रहता था, क्योंकि वेश्या के मुख को देखता था। इतना महाराज सौंदर्य के प्रति आसक्त था, वेश्या के सौंदर्य के प्रति। श्री रामानुजाचार्य जी ने उस व्यक्ति को देखा, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के जीवन की घटना है। उन्होंने देखा ये व्यक्ति तो बड़ा विलक्षण, इसको न समाज की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न देश दुनिया की चिंता है, एक वेश्या के लिए इसने सारी दुनिया छोड़ रखी है, और वो भी केवल सौंदर्य के लिए। श्री रामानुजाचार्य जी ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ये सौंदर्य का उपासक है, वेश्या से ज्यादा